चलो देखो, अब मेरी बात सुनना। अब अपन सबसे पहले बुक कीपिंग चालू कर रहे हैं, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। बही खाता और लेखांकन अपना सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर तुम यूँ समझो कि मेरे ख्याल से 80% स्टूडेंट अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं तैयारी भी उसी हिसाब से कराऊंगा। मतलब तुम यूँ समझ लो, मैं जीरो से नहीं, मैं नेगेटिव से लेके चालू होने वाला हूँ, ठीक है। एकदम बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे दादी अपने पोते को जिमाती है ना प्यार से, उतने ही प्यार से मैं तुम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेस से लेकर। मतलब मैं ये सोच ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ आता है। मैं नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी भी सिखाऊंगा जो अपने कंप्यूटर साइंस में भी है, वो भी इसमें कुछ कोरिलेट करती है, तो मैं नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम कहां से लेके शुरू होने वाला हूं मैं, एकदम नेगेटिव से लेके शुरू होने वाला हूँ, और सारा बेस क्लियर करते चलेंगे, बेस क्लियर करते चलेंगे। अपने पास लगभग 3 महीने है, मान के चलो 3 महीने में अपने को बहुत ज्यादा कोर्स खींचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे वो ज्यादा नहीं है कोर्स, हालांकि वो है 6-7 चैप्टर ही, बट ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि तुम लोगों के कभी भी वो चीज पढ़ी भी नहीं है। तो कहाँ से उठाने वाले अपन, एकदम जमीन से उठाने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं अकाउंटेंसी का मतलब, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना अपने को, ठीक है। पहले मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, उसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद मैं तुम्हें वो समझाऊंगा। तो देखो, देखो इधर बहुत ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बस जाएंगे। लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देन की पहचान की जाती है, वित्तीय लेन देन की पहचान की जाती है। तो जब भी तुम क्या शुरू करोगे, अकाउंटिंग शुरू करोगे, क्या शुरू करोगे, अकाउंटिंग शुरू करोगे, सबसे पहले तो ये देखोगे भाई कि वो तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी बात सुनना, नोट्स बहुत जबरदस्त है, नोट्स में जो बोलूंगा सब लिखा हुआ है, जो बोलूंगा सब लिखा हुआ है, एक एक चीज कवर की, इतनी छोटी छोटी चीज मैंने नोट्स में कवर की, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, वित्तीय लेन देन। सुनना मेरी बात, मैं बाहर से घूमने आया हुआ था, मैं बाहर से घूमने आया हुआ था, मेरी बात सुनना, मैं बाहर से घूमने आया हुआ था, पहले वो तो मुझे इसमें करना क्या, सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देनों को पता लगाना। सुनना मेरी बात को, जब तक वो वित्तीय लेन देन होंगे नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे नहीं, उनको मैं अपने खातों में नहीं डालूंगा। तो अकाउंटिंग सबसे पहले क्या बोलता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पता लगाओ, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन पता लगाओ। सुनना मेरी बात, मैं बाहर से घूमने आया हुआ था, मैंने रास्ते में भेलपूरी खा ली, क्या इसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, क्या अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बोलो क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे व्यापार से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, बोलो समझ आई, ये मेरा वित्तीय लेन देन नहीं है। वित्तीय लेन देन का मतलब जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो मेरे किससे रिलेटेड होगा। तो अकाउंटिंग जब शुरू होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है पता लगाओ, पता लगाओ क्या ये मेरे बिजनेस का है भी या नहीं है, मेरे ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है, ये मेरा वित्तीय लेन देन है भी या नहीं है। अगर वित्तीय लेन देन ही नहीं है तो फिर मैं उसको अकाउंटिंग में लाऊंगा भी नहीं, वरना तो सोचो मैं दिन में क्या क्या करता हूंगा, ठंडा पानी पीता हूंगा, लिखू उसको, मैं बाहर से खाना खाता हूं लिखू, मैं घर पे खाना खाता हूं लिखू, क्यों नहीं लिखू, क्योंकि वो वित्तीय लेन देन नहीं है, वो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले पता लगाओ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। तो सर आपने बोला हमें कैसे याद रहेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सर ने लिख के दिया है, ये रहा देखो मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
वित्तीय लेन देन की पहचान करने का अर्थ। तो देखो क्या है, पहले ये देखो कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है क्या, कौन सा इवेंट हो रहा है क्या बोलो, वित्तीय लेन देन व्यवसायिक से रिलेटेड कोई घटनाएं हो रही है क्या, तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। बोलो कब चीजों को तुम अकाउंटिंग में लाओगे, सबसे पहले बोलो अकाउंटिंग का पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना क्या वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्या पता लगाना वो वित्तीय लेन देन है या नहीं। अगर वो वित्तीय लेन देन है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा, वरना वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा, कुछ टोटका बताओ इसका, दो चीजें बोलता हूं, हमारे व्यापार से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए रिलेटेड टू व्यापार, व्यापार से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा मॉनेटरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉनेटरी का मतलब होता है उसको पैसों में नापा जा सकता, ठीक है, पैसों में नाप सकते हो, अगर पैसों में नहीं नाप पाओगे ना तो फिर वो यहां नहीं आएगा। बता रहा मुझे सुनना मेरी बात, एक बिजनेस था, समझना बात को, तुम बता दोगे अभी इसको लिखूं या नहीं लिखूं तुम बताना, एक बिजनेस था उसमें आग लग गई, सुनना बात को, उसमें आग लग गई, दो क्वेश्चन पूछूंगा कंसेप्ट क्लियर, आग लग गई सामान जल गया, हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सामान जल गया, सुनना बात को, आग लगी आदमी जल गया, कहां लिखोगे आदमी जल गया खातों में, क्यों, सामान में मॉनेटरी था, आदमी में कुछ मॉनेटरी नहीं था, मतलब सामान पैसों से रिलेटेड था, आदमी पैसों से रिलेटेड नहीं था। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आग लगी सामान भी बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड था, आदमी भी बिजनेस से रिलेटेड था, बट आदमी पैसों में नहीं नापा जा सकता, सामान पैसों में नापा जा सकता है। तो अब बोलो क्या तुम जब अकाउंटिंग शुरू करोगे, अकाउंटिंग में क्या चीज लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। बोलो क्या लिखना है, एक वर्ड बोलना, बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखने, वित्तीय लेन देन लिखने। सर हमें क्या पता वित्तीय लेन देन क्या, भाई तेरे बिजनेस में है और पैसों से रिलेटेड है तो लिख रहा है, और अगर इन दोनों में से कोई भी घटना नहीं हो रही तो नहीं लिखना। मैं जा रहा था, मैं भेलपूरी खा रहा था तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो मेरे किससे रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो पढ़ो इसको, क्या लिखा, देखो सब लिखा हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने लिखा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, बोलो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। देखो पूरा समझाया, पहले बोला कि क्या होता है इसका मतलब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट, क्या पता लगाना वित्तीय लेनदेन है या नहीं है पता लगाना, फिर मैंने इसमें एक वर्ड करा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए तब रिकॉर्ड करेंगे वरना, तो क्या होना चाहिए यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो क्या होनी चाहिए, बोलो व्यापारिक गतिविधियां होनी चाहिए, लिखा हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर समझाया हुआ व्यापारिक गतिविधियां क्या होती, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, अगर उसके अंदर दो चीजें आ जाए, बिजनेस से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड, तो आएगा मॉनेटरी टर्म्स एंड फाइनेंस ऑफ बिजनेस को इफेक्ट करे, बिजनेस को इफेक्ट करना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पे भी, मापनीय रूप होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए बोलो, प्रभाव डालना चाहिए, किसके ऊपर प्रभाव डालना चाहिए, हमारे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस में भी किस पे, संपत्ति पे, संपत्ति इज नोन एज एसेट, ठीक है, पूंजी पे, पूंजी मतलब कैपिटल, दायित्व पे, दायित्व मतलब लायबिलिटी, सारे वर्ड आएंगे और इतनी डिटेल में आएंगे मजा आ जाएगा। अभी तुम यू समझो, कोई भी चीज जो बिजनेस को इफेक्ट करती है, पैसों में नापी जा सकती है, इज नोन एज बोलो इज नोन एज क्या, गतिविधियां, कौन सी, फाइनेंशियल गतिविधियां, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है,
इकोनॉमिक इवेंट्स बोल लो या फाइनेंशियल गतिविधियां बोलो, एक ही बात है, मतलब कुल मिला के हमें उसको रिकॉर्ड करना है। तो बोलो सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पता लगाया क्या है ये लेन देन, कैसा लेन देन, वित्तीय वित्तीय लेन देन है या नहीं है, व्यापार से रिलेटेड है या। तो इन सब का कंक्लूजन एक, बोलो अगर हम सबसे पहला मैं यूं बोलूंगा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लेक अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देनों को पता लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय लेन देनों को पता लगाया जाता है। बोलो यहां तक समझ आई डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें बोलो क्या वित्तीय लेन देनों का पता लगाया जाता है। सर कैसे पता चलेगा, अगर वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और पैसों में नापा जा सकता है तो वो, सर पता चल गया है आइडेंटिफाई, हाँ सर है हमारा ट्रांजेक्शन वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, हाँ तो बेटा आ जाओ अब रिकॉर्ड करना शुरू करो उसको। अब उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो सर सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करेंगे हम, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे किस में रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। क्या सर हिंदी में भी जर्नल, बिल्कुल जर्नल बोलना पड़ेगा तुम्हें, वैसे इसका दूसरा नाम मैंने लिखा है बाद में, बट तुम इसको क्या बोलोगे, जर्नल ही बोलोगे। ठीक है, तो किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर जर्नल क्या होता है अभी बात कर लेते हैं, बट मुझे प्रोसेस तो बताओ। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देनों का पता लगाया जाता है, और पता लगाने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किसमें किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, सुन लेना क्या आएगा। तुम कोई भी एग्जाम दे दो अकाउंट्स का, इस प्रोसेस में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तुम सीए का एग्जाम दो, तुम बीकॉम का एग्जाम दो, तुम कोई सा भी एग्जाम दो, तुम इलेवेंथ का दो, तुम ट्वेल्थ का दो, कंपटीशन दो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं इस प्रोसेस में से। ठीक है, तो बोलो सेकंड स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ लेन देन, क्या व्यापार लेन देन का वर्गीकरण, नहीं वर्गीकरण का आगे बीच में, सॉरी व्यवसाय लेन देन का दर्ज करना, दर्ज करना। ठीक है, क्या करने वाले हम, दर्ज करने वाले, रिकॉर्ड करने वाले। तो बोलो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी क्यों बोला, अच्छा एक बार यहां पे हिंदी में भी पढ़ के बता दो। प्राथमिक क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया। सर जर्नल क्या होती है, नहीं बता रहा, जर्नल चैप्टर है वहां बताऊंगा ना, यहां पे सिर्फ क्या ध्यान रखोगे, जर्नल में, सर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको प्राथमिक बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। एमसीक्यू आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बुक्स, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स। सर पहली बार रिकॉर्ड करो, क्या इसको हम नाम ओरिजिनल भी दे दे, पहली बार करो सर, इससे और ओरिजिनल क्या होगा, प्राथमिक या मूल, ओरिजिनल भाई सब, ओरिजिनल, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो क्या सर ऐसा पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बिल्कुल पूछा जा सकता है तुम्हारा, यह है दफ? ठीक है, मैं कह रहा हूं जो भी अकाउंट्स का एग्जाम होगा उसमें आएगा, है ना? तो बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जर्नल इज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो, पहला स्टेप प्रोसेस है एक अकाउंटिंग का, वो प्रोसेस मैं सुनना चाहता हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग। पहले पता लगाओगे बिजनेस से रिलेटेड है क्या, फिर उसको रिकॉर्ड करोगे। तो बोलो क्या है, बोलो यहां पे आ गया ये ला। लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, बोलो, वित्तीय लेन देनों को पहचाना जाता है और उसके बाद उसको दर्ज किया जाता है। और दर्ज कहाँ होता है? जर्नल में। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स और ओरिजिनल बुक्स। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज प्राथमिक और मूल किताबें। ठीक है, ये ध्यान रखना। बोलो, हमने यहां पे शुरू किया था, दो चीजें करी, व्हाट आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डिंग इन जर्नल। सर जर्नल का क्या मतलब हुआ, थोड़ा तो बता दो। अभी बता देता हूं, देखो इधर, तुमने बोला सर सर मैंने बोला, हाँ कहते जनरल थोड़ा तो बता दो, मैंने कहा बिल्कुल बता देते हैं जनरल थोड़ा सा, ऐसा ऐसा होता है जनरल, ऐसा ही होता। स्पेलिंग गलत तो नहीं सर? क्या करना होता है इसमें, इसमें हमें करना होता है, हमारे पास बिल होते हैं बिल, ठीक है? तो मेरे पास बिल है तो मैं वो बिल खोलूंगा। पहला बिल खोला, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज खरीदते बेचते हैं ना, जैसे तुम लोग फीस जमा करा के आए तो एक वाउचर कटा पीले कलर का, तो वाउचर कट गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया होगा, वो वाउचर कटने के बाद वो वाउचर चेक किया, फीस आई हुई है, उसको हमने अकाउंटिंग करी। सबसे पहले देखो, समझना बात को, अभी तुम्हें समझ आएगा, अब तुम्हें बहुत क्लियर होने वाली है, एकदम प्रैक्टिकल हो चुका हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुका हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे पास पहला वाउचर आया, वाउचर बिल जो भी तुम बोलना चाहो, एक बार के लिए सब बोल लो, बाद में सब सिखा दूंगा। वाउचर क्या होता है, बिल क्या होता है, वो अभी तुम यूं समझो एक पीली किताब है तुम्हारे सामने, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम सारे टेक्निकल बंदे हो, कॉमर्स का कोई भी नहीं है। तो ये जब मैं मान के चलूंगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ एक किताब है, इसमें पहला बिल आया, हाँ भाई 500 रुपए की एंट्री करनी है, तो मैंने 500 की एंट्री कर दी। कैसे करते हैं सर एंट्री? ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कुछ भी लिख देते एक बार सर, ये क्या नहीं समझना, मैं समझा रहा हूँ क्या, अभी नहीं समझा रहा ना, तो कुछ नहीं समझना। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिख दिया मैंने, कुछ भी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं बस। दूसरा बिल आया, फिर एंट्री करी, ऐसी ऐसा ही कुछ होगा, मतलब फर्नीचर, मैंने फर्नीचर से रिलेटेड लिखी, तुम्हें उसके अभी सोचने की जरूरत नहीं, चलो यूं पूरे लिख लो, सेल्स हो गई, मैंने सेल्स करी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक और आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5000 फटे हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितनी बार करूंगा ऐसा, 5000 बार करूंगा, ये तो एक बार हो गया। फिर मैंने और भी देखा, मेरे पास से पैसा गया हुआ है तो उसकी भी एंट्री करूंगा, ये तो पैसा आया हुआ है, ऐसे पैसा गया हुआ भी होगा, ऐसे पैसा गया हुआ भी होगा, मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, मैं एकदम मोथा आदमी था, मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, बीच में गया था बेलपुड़ी का, करता जा रहा हूँ एंटर, करता जा रहा हूँ, बेलपुड़ी का पड़ा है उसको भी कर दिया एंट्री, टक टक। किसी ने बोला सबसे पहला स्टेप तो याद कर भाई, क्या था सबसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो तो देख। तो सबसे पहले वो उसमें से सिर्फ कौन सा वाउचर छांटूंगा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड और जो पैसों में। तो करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, एंट्री करता गया, 1000 एंट्री हो गई, 2000 एंट्री हो गई, 3000 एंट्री हो गई, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, महीने बर्बाद। बात ही समझ आनी बंद हो गई, क्या हो रहा है,
इतनी सारी एंट्री हो गई, कुछ करो ना सर इसका, कर देते इसको थोड़ा छोटा कर दे, लगा दे अगला प्रोसेस, वरना ऐसी 10,000 एंट्रियां दिखेगी, गंदा लगेगा, अलग अलग जगह छोटा कर दे इसको, लोग कर दो छोटा इसको, फिर कैसे करे सर ये लोग, कर दो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे सर। क्लासीफाई कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं सर, वर्गीकरण करना है, अभी दिखा देते हैं कैसे करते हैं, ये रहा, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन और एंट्री सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, जितने भी सेम नेचर के हैं, जिनके गुण सेम है उनको एक तरफ ले लो, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्गीकरण, एक तरफ ले लो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा सुलझ जाएगा मामला, ठीक है, तो सारे कहां ले लो, एक तरफ ले लो, ले लेंगे सर एक तरफ, कैसे सर एक तरफ, फर्नीचर की जितनी भी एंट्री दिख रही है ना सारी एक तरफ ले लो, बैंक की जितनी भी एंट्री दिख रही है ना सारी एक तरफ ले लो, तो सर ये कहां पे लेते होंगे, जैसे आपने बताया पहली बार आप जब नोट कर रहे हो जर्नल में कर रहे हो, तो सर इसको भी तो कहीं पे करना पड़ता होगा ना हमें, जर्नल में तो अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे नहीं, वर्गीकरण इसका जर्नल में तो करेंगे नहीं, कहीं तो करना पड़ता होगा सर, कहां करोगे इसका वर्गीकरण आप, तो इसका वर्गीकरण हम करेंगे लेजर पोस्टिंग में, कहां करेंगे बोलो, लेजर पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, खाते खुलते हैं, क्या होता है, खाते खुलते हैं, जो जनरल में किया था उसको बोलते हैं एंट्री पास करी, अब एंट्री पास करने के बाद उसके खाते खुलते हैं, खाते कैसे खुलेंगे सर, आपने बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो जितनी भी बैंक की एंट्रीज है ना, जो आपने पहले अभी जनरल में पास करी, आपने कहा 10,000 पास कर दी मैंने, तो वो सारी एक तरफ उठा के एक जगह ले आओ, वो जो जहां पे तुम एक जगह लाओगे ना उसको लेजर बोलते हैं सर, कैसा होता है लेजर, लेजर चैप्टर है भाई, उसमें पढ़ेंगे ना, अभी तो हम क्या सिर्फ याद करें व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो अभी तो सिर्फ इतना पढ़ना है, पहले ट्रांजेक्शन पता लगाओ, उसकी एंट्री पास करो, एंट्री जनरल में होगी, और फिर उसके खाते बनाओ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, तो जनरल से उठाएंगे और उसके अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अकाउंट बनाएंगे, तो और अकाउंट कहां पे बनेंगे बोलो, लेजर में बनेंगे, क्या होगा सर अकाउंट में, सर एक बैंक लिखा होगा बैंक, तो उसमें हम यूं लिख देंगे बैंक, अब तुम्हें सिर्फ ढूंढना बैंक कहां पे, बैंक कहां पे, सारे बैंक उसमें डालते जाओ, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन, हो गया ना क्लासिफिकेशन, बैंक वाले सारे एक तरफ आ गए, वर्गीकरण का मतलब ही क्या होता है, एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स वाले सारे एक तरफ ले लो, तो सारे एक तरफ आ गए, ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, अच्छा सर इसमें क्या होगा, दो साइड होगी, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी, ठीक है, तो सर एक बात बताओ, इसको और क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, क्यों बोलते हैं सर प्रिंसिपल बुक, मैं बोल रहा हूँ लेजर चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ के क्या मतलब, कौन सी बुक बोलते हैं इसको बोलो, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, ठीक है, यहां पे हिंदी में पढ़ा देता हूं, मैंने क्या लिखा है, लेजर पोस्टिंग, जनरल में क्या किया था, एंट्री, इसमें क्या करोगे, पोस्टिंग, खाता खोलेंगे, खाता खोल के उसमें पोस्टिंग, वहां से उठा उठा के यहां लाएंगे, सारे एक तरफ करेंगे, छांटेंगे, छंटनी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, बोलो, अच्छा इस पुस्तक को और क्या बोलेंगे, मुख्य लेख पुस्तक, प्रिंसिपल बुक, क्या बोलेंगे, जनरल को कौन सी बुक बोला था, प्राइमरी, और एक और ओरिजिनल, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, मुख्य बुक बोलेंगे इसको, बोलो कि मेरे क्या, मेरे साथ अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड को वर्ड बोलो, वित्तीय लेन देन होने चाहिए उसमें, हाँ ट्रांजेक्शन होने चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होने चाहिए, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे बोलो, उसको दर्ज करेंगे, दर्ज के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, खातों में क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाउचर चेक होते हैं, उसके बाद उसको जनरल एंट्री में दर्ज किया जाता है, जनरल एंट्री से उसके बाद उसको लेजर में खाते खोले जाते हैं, जिसको पोस्टिंग बोलते हैं, तो सबसे पहले एंट्री पास होगी, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, अब इसके बाद
अच्छा ऊपर चलते हैं ना, वो डेफिनेशन चल रही। बोलो, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब आता है इसको छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, समराइज करेंगे। तो मैं तुम्हें, मुझे बताओ, सबसे पहले खूब सारी एंट्रीज थी ना, उनको छोटा कैसे किया? सारे एक एक तरफ ले लिए, बैंक वाले एक तरफ। अच्छा मैं कहता हूँ बैंक के 1000 ट्रांजेक्शन थे, तो एक तरफ लेके भी वो 1000 बच गए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बैंक वाले 1000 ट्रांजेक्शन थे, 1000 फर्नीचर के थे, 1000 कोई दूसरे ट्रांजेक्शन थे, ऐसे 10,000 ट्रांजेक्शन थे, तो बैंक के अभी भी कितने बच गए? तो सर ये तो बड़ी दिक्कत है, 1000 बच गए। हमें तो एक अकाउंट एक एक नंबर बताओ जिसे हमें समझ आ जाए। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा बैंक में 50,000 बैलेंस है। सर ये कैसे बताओगे आप? अकाउंट देख के। अकाउंट कहाँ पे था सर? लेजर में था। आप लेजर देख के ऐसे कैसे बता पाओगे? चैप्टर पढ़ना है ना भाई, यहाँ बता के क्या करूंगा? यहाँ बता दूंगा तो फिर आज खत्म हो जाएगा ना कोर्स, तो वो करना नहीं है अपने को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेजर से बैलेंस देखूंगा, उसमें बैलेंस दिखेगा। बैलेंस में क्या दिखेगा? कि बैंक में पैसा कितना पड़ा है। और अब मैं अगला बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस, तलपट। क्या बनाऊंगा उसमें? क्या करने वाला हूं मैं? सिंगल फिगर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक सिंगल फिगर। वो क्या होगा? बैंक में कितना पैसा है। फर्नीचर की 1000 एंट्री थी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको कहां उतारा? खाते में उतारा। अब जो तलपट में लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा, उसमें क्या लिखूंगा कि मेरे पास आज के दिन फर्नीचर कितने का पड़ा है। मेरे पास 1000 कंप्यूटर मैंने एंट्री खरीदे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं एक फिगर लिखूंगा तलपट में, आज के दिन मेरे पास कंप्यूटर कितने रुपए के है? 10 लाख रुपए के। तो मैं लिखूंगा कंप्यूटर 10 लाख, खत्म। क्योंकि एक बात बताओ कि ये क्या होगा अकाउंटिंग करने से? कोई किताबें तैयार होगी हमारी, वो किताबें कौन पढ़ेंगे? यूजर्स पढ़ेंगे। यूजर्स तो यूजर को 5-5 हजार एंट्रियां थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ एक बात बोलेगा, भाई बता दे बैंक में कितना बैलेंस है? 50,000। उसको तो एक फिगर चाहिए ना, तो हमें तो और छोटा करना पड़ेगा ना। तो बोलो समराइज कहाँ पे होता है? तलपट में होता है। कहाँ पे होता है? ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या करना होता है? आइडेंटिफाई। फिर क्या करना होता है? उसको लिखो प्राइमरी बुक्स में, ओरिजिनल बुक्स में। लिखने के बाद एक तरफ करो, वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो। कहाँ होगा? लेजर पोस्टिंग। अब एक तरफ करने के बाद भी हमें तो एक ही फिगर बताओ, कहाँ होगा? तलपट, ट्रायल बैलेंस। सर इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि सबसे पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो 10,000 ट्रांजेक्शन थे। अब 10,000 ट्रांजेक्शन में समझ नहीं आ रहा था कौन किसका है। सारी खिचड़ी बनी हुई थी, उस खिचड़ी में से चावल अलग करने थे, दाल अलग करनी थी, तो मैंने क्या बना दिए? अकाउंट्स बना दिए। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? सबको चीजें अलग अलग कर दी, बैंक अलग कर दिया, सब अलग कर दिया, उसमें से एक एक को चुन चुन के अलग कर दिया। दैट इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। सर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा, बैंक के इतने सारे आपने अलग तो कर दिए, बैंक आपने 1000 बार लिख रखा है। तो सर एक फिगर बताओ ना, कहाँ बता दूंगा? बोलो ट्रायल तलपट में बता दूंगा। ठीक है, तो अगला प्रोसीजर क्या हो गया अपना? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग। बोलो समराइजिंग कहाँ पे होने वाला है? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अच्छा ट्रायल बैलेंस कुछ ये बताएगा? ये अभी नहीं पढ़ा रहा मैं जानबूझकर से, क्योंकि इसमें वर्ड आएंगे वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे। मैंने फिर लिखा क्यों है, ये बाद में पढ़ाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां से अब एक एक बात पढ़ते हैं वापस। अभी अभी तो सिर्फ ये पढ़ा रहा, अभी तो ये चल रहा है नीचे वाला, तो अभी वापस पढ़ाऊंगा, अभी तो ये चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इधर फटाफट, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहले पता लगाओगे करना है या नहीं करना रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड कर दोगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई कर दोगे। क्लासिफाई का क्या मतलब था? वर्गीकरण, मतलब सबके अलग अलग खाते बना दोगे। और खाते बनाने के बाद उसको समराइज करोगे। समराइज का क्या मतलब हो गया? ट्रायल बैलेंस मतलब एक 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 बैलेंस बता दोगे। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करोगे और उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशंस निकालोगे। इसका मतलब क्या हो गया? वो उसको हमें क्या करना पड़ता है? बोलो बोलो। हाँ, तो उसमें हमें उसकी पूरी की पूरी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि
कि अब विश्लेषण में क्या किया जाएगा, हमें कितना फायदा हुआ, विश्लेषण में क्या किया जाएगा, हमें कितना फायदा हुआ पूरे बिजनेस में, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाएंगे? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? चैप्टर है भाई प्रॉफिट एंड लॉस, अभी बता के क्या करूं। अच्छा, और क्या पता लगा पाओगे सर आप उससे? मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कितना फर्नीचर है, मेरे पास कितना कंप्यूटर है, मेरे पास कितने बिल्डिंग है। सर उसके लिए क्या बनाओगे आप? बैलेंस शीट, चिट्ठा, क्या बोलते हैं उसको, चिट्ठा बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो मुझे बता रहे हो अभी तक क्या क्या बन चुका? सबसे पहले बनी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में क्या हुआ? बहुत ध्यान से बोलना, मार खाओगे वरना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्या हुआ? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री कहां पे हुई? रिकॉर्डिंग में। उसके बाद क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहां पे हुआ? लेजर में। लेजर के बाद क्या हुआ? लेजर के बाद क्या हुआ बोलो? ट्रायल बैलेंस हुआ, समराइज हुआ, समराइज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको हमने एनालाइज किया, विश्लेषण किया उसका। विश्लेषण में दो चीजें पता लगी, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ और कितनी हमारे पास संपत्ति है, कितने हमारे दायित्व है। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, और कितने हमारे दायित्व है और कितनी हमारी संपत्ति है उसके लिए हमने चिट्ठा बनाया, बैलेंस शीट बनाई। तो मुझे बताओ कौन से स्टेप में क्या क्या बना, दिखा दो मजेदार चीज। बोलो, सबसे पहले हमारे पास वाउचर थे, मैंने बताया था उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसमें आइडेंटिफाई हुआ, हिंदी वाला भी है उसका, हिंदी वाला नीचे दिखा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ बताना? रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग को और क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जनरल एंट्री पास करी। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा। कहां पे होगा वर्गीकरण? लेजर पोस्टिंग में। वर्गीकरण के बाद उसको संक्षिप्त में लिखेंगे, वो कहां पे लिखेंगे बोलो? समराइज कहां पे करेंगे? ट्रायल बैलेंस में करेंगे। समराइज के बाद उसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज कहां पे करेंगे? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन आते हैं? लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चिट्ठा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? कितना फायदा कमाया, और चिट्ठा क्या बताता है? आज के दिन हमारे पास कितनी एसेट है, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। कोई सा भी एग्जाम दे लो, कभी भी दे लो, ये आएगा ही आएगा। और जब ये हो जाएगा, इसके बाद हमारी इतनी सारी चीजें तैयार हो गई ना, तो जिस जिसको चाहिए उसको बांट देंगे। शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, हमारे लेनदार हो गए, हमारे देनदार हो गए, सबको बांट देंगे। तो अगला क्या होगा? कम्युनिकेट कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। ये लिखा हुआ जिसको चाहिए सूचना, जिसको चाहिए, जो उसको उपयोग करेगा, जो सूचना का उपयोग करेगा, उसको हम क्या कर देंगे? संचारित करा देंगे, उसको दे देंगे। बोलो प्रोसेस शुरुआत से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे वाउचर चेक करके हमारे बिजनेस का है भी या नहीं, फिर उसको दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे होगा? जर्नल में। फिर उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण लेजर पोस्टिंग में होगा, पोस्टिंग होगी। फिर उसको समराइज करेंगे, छोटा करेंगे, किस में होगा? ट्रायल बैलेंस। फिर हम इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज कैसे करोगे? अगर प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे। और कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है और कितनी पूंजी लगी हुई है, ये चेक करना है, तो बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, तो क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे। और जब ये सब बन जाएगा, तो जिनको भी चाहिए उनको संचालित कर देंगे, उनको हम बांट देंगे सारी चीजें। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। सर इतने अजीब अजीब से वर्ड आए, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, और ये सब सबके ऊपर एक एक चैप्टर है, तो यहाँ पढ़ के फायदा नहीं है। अभी तो याद करना था, फिर अब एक एक चैप्टर उठाएंगे। तुम समझ गए सबसे पहले क्या उठाने वाले हम? आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या उठाने वाले हम चैप्टर? जनरल। अगला चैप्टर कौन सा उठाएंगे? जनरल। फिर कौन सा उठाएंगे? लेजर। फिर कौन सा उठाएंगे? ट्रायल बैलेंस। फिर कौन सा उठाएंगे? पी एंड एल। फिर कौन सा उठाएंगे? बैलेंस शीट। मतलब पी एंड एल और बैलेंस शीट साथ चलते हैं, सारे एक एक करके चैप्टर उठाएंगे। तुम समझ रहे हो बात को? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर में कुछ होता नहीं है, तुम यूं समझ लो पहला चैप्टर हमारा जनरल उठेगा। जनरल में अपने को 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तुम समझ रहे हो इधर क्यों नहीं समझाया मैंने जनरल?
क्यों नहीं बताया मैंने एसेट क्या होता है, मैंने क्यों नहीं बताया हमारे दायित्व क्या होता है, क्यों नहीं बताया मैंने मेरे पूंजी क्या होती है, क्यों नहीं बताया मैंने हमारे प्रॉफिट क्या होता है, क्यों नहीं बताया मैंने लाभ क्या होता है। तुम बता सकते हो प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? नहीं बता सकते तुम। फिर मैं तुमसे तीन क्वेश्चन पूछ लूंगा, तुम नहीं बता पाओगे। अगर प्रॉफिट बता दोगे, तीन क्वेश्चन पूछू प्रॉफिट क्या होता है बता दो, बता दोगे गलती से, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूंगा इनकम क्या होती है। फिर अगर तुमने इनकम बता दी तो मैं अगला पूछ लूंगा, फिर तो तुम घायल ही हो जाओगे। रेवेन्यू क्या होता है? सर तीनों सेम ही तो होते, तीनों सेम ही तो नहीं होते, यही तो बात है। अगर ये भी बता दोगे फिर मैं पूछूंगा गेन क्या होता है, नहीं बता पाओगे। चार वर्ड है, शुरुआत प्रॉफिट से करी थी, फिर प्रॉफिट है तो फिर मैं अगला क्या पूछ लूंगा, इनकम क्या होती है, इनकम बताओ। इनकम बता दोगे तो मैं क्या पूछ लूंगा, रेवेन्यू बता दो। रेवेन्यू बता दोगे तो मैं क्या पूछ लूंगा तुमसे, अपने क्या बता दो। यहाँ पे रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, और गेन बता दो। कहां से बताओगे? नहीं बता पाओगे। अभी तुम प्रॉफिट बताओगे तो जितना फायदा हो गया, तो गेन भी तो फायदा होता है। इनकम में लॉस थोड़ी है, इनकम में भी तो फायदा हो रहा है, रेवेन्यू में भी तो फायदा हो रहा है, बट फायदा तो फायदा, प्रॉफिट ही बोलेंगे तो फिर इतने सारे वर्ड क्यों है, वही तो बताना है, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तो एसेट, एसेट बता दो सर। अभी एसेट तो बता दो क्या होती है, ऐसे कैसे बता दूं, एसेट कैसे बता दूं, एसेट में पांच पन्ने भरेंगे, ऐसे कैसे बता दूं अभी कि एसेट क्या होती है हमारी। ठीक है, करंट एसेट होती है अपनी, करंट एसेट होती है, लिक्विड एसेट होती है, क्विक एसेट होती है, ऐसे बीच में कैसे बता दूं, नहीं बता सकता। ठीक है, लाइबिलिटी, दायित्व तो बता दो, ऐसे कैसे बता दो दायित्व, शॉर्ट टर्म होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, ऐसे कैसे बता दो, कुछ तो बता दो। यही बताऊंगा व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग, बोलो मेरे साथ। सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड के बाद क्या होगा? उसके बाद वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण के बाद क्या होगा? समराइज। ठीक है, छोटा करेंगे उसको। उसके बाद क्या होगा बोलो? एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बना के और बैलेंस शीट बना के, और जब सब हो जाता है तो सबको बांट देते हैं। बोलो इतना पार्ट याद हो गया? आज इतना ही पढ़ाया, इसके आगे आज नहीं पढ़ाएंगे, क्लास अभी खत्म। ठीक है, चलो बाय।